गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो पेडिग्री एनालिसिस जो हमने लास्ट कंसेप्ट शुरू किया था उसको समझने के लिए कुछ डिजीजेस का पता हो तो पहले हम डिजीजेस पढ़ लेते हैं बेटे, इसके बाद वो लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिनके कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, ये बाय बर्थ होते हैं, मतलब बर्थ से आई हुई डिजीजेज, जो डीएनए के कारण डिजीज आई हैं, जो जेनेटिक मटेरियल के कारण डिजीज आई हैं, इनको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब वो डिसऑर्डर्स जो जीन की वजह से हो, डिसऑर्डर्स ड्यू टू अल्ट्रेशन और म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन। इसमें एक जीन अफेक्टेड है, सिंगल जीन का अफेक्ट आता है बच्चे में, तो जैसे हीमोफीलिया है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, मसल डिस्ट्रॉफी है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है बेटा। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के कारण आते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो गई हैं या चेंज इन नंबर हो जाए इसका, तो उनसे डिसऑर्डर्स जो आएंगे उनको कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो फर्स्ट है बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में फर्स्ट है हीमोफीलिया। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग बंद नहीं होती, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसको ब्लीडर्स डिजीज कहेंगे क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बंद नहीं होती। फर्स्ट टाइम ये किसमें हुआ? इन जोन ऑटो। जोन ऑटो में ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ 1803 में। अब हीमोफीलिया जो ब्लीडर्स डिजीज है, इस डिजीज में क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ ब्लड आता है बेटा, मतलब ब्लीडिंग नहीं रुकती। डिफेक्ट ऑफ ब्लड इज देयर विच प्रिवेंट्स इट्स क्लोटिंग। जैसे हमने +1 में पढ़ा था ना कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, वो प्रोसेस हमने बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्लोटिंग के लिए जैसे फाइब्रिनोजन वहां पे रिक्वायर्ड था, प्रोथ्रम्बिन था, तो क्लोटिंग का प्रोसेस इस बच्चे में बंद हो गया, इस पर्सन में बंद हो गया, तो ये हीमोफिलिक पेशेंट हो गया बेटा। और अगर इसमें इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती रहेगी और डेथ भी हो सकती है, इसका कारण क्या है? कॉज, ये एक सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मतलब इस डिजीज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो सेक्स क्रोमोसोम पे है, तो ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है बेटा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन से आया हुआ ट्रेट है। इसका जीन किस पे लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पे, जैसे ये। अब यहां पे ये प्रॉब्लम है कि लड़कों में क्योंकि एक एक्स होता है तो ज्यादा चांसेस है कि हीमोफीलिया लड़कों में ज्यादा होगी, क्योंकि लड़कियों में दो एक्स है बेटा, तो हो सकता है फादर से डिफेक्टिव आया हो तो मदर से नॉर्मल आ जाए, तो अगर एक नॉर्मल आ गया जीन तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कैरियर तो हो जाएगा बट डिफेक्ट नहीं आएगा, डिजीज नहीं आएगी। तो अगर मेल में सिंगल एक्स है और वो भी रिसेसिव स्टेट में है तो वो अफेक्टेड हो गया, फीमेल में अगर एक रिसेसिव है तो वो कैरियर हो जाएगी, उसमें डिजीज नहीं आएगी बच्चे, कैरियर रहेगी वो। तो इसमें जैसे आप इन्हीं का क्रॉस कराते हैं अपन, कि जैसे हस्बैंड जो है वो अफेक्टेड है और मेल जो फीमेल है, मदर जो है, जैसे हस्बैंड जो है वो हीमोफीलिया है, लेट ये है, और जो मदर जो है यानी फीमेल जो है
उसके पास क्या है बेटा, एक कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है, क्योंकि फीमेल के पास हमें पता है दो एक्स हैं तो वो कैरियर हो जाएगी। ये देखो, अब आगे अगर एक डॉटर होती है तो चांसेस है वो क्या रहेगी, कैरियर। ये एक डॉटर जो होगी वो कैसी होगी, वो अफेक्टेड होगी, मतलब उसको डिजीज हो जाएगी। ये एक मेल जो होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल, और ये मेल कैसा होगा, अफेक्टेड। ये देखो, ये नॉर्मल मेल होगा, एक नॉर्मल ये हो सकता है, ये कैरियर, या फिर एक डॉटर अफेक्टेड या एक सन अफेक्टेड आएगा। तो क्योंकि फीमेल के पास दो सेक्स क्रोमोसोम है, याद रखिएगा, इसलिए सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स फीमेल में बहुत कम मिलेंगे, मेल में क्योंकि एक ही एक्स है इसलिए चांसेस मेल के ज्यादा होते हैं सेक्स लिंक डिजीज होने के। इसके बाद बेटा सेकेंड डिजीज जो सेक्स लिंक्ड है वो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये हैं सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, लेकिन हम पहले उसमें से कौन से पढ़ रहे हैं, सेक्स लिंक, तो ये भी एक सेक्स लिंक रिसेसिव जीन की वजह से आया हुआ डिसऑर्डर डिजीज है। इसमें क्या होता है बेटा, पेशेंट इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द रेड फ्रॉम द ग्रीन कलर, तो इसमें पेशेंट जो है वो रेड कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता ग्रीन से। हाँ जी, इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन कलर, रेड फ्रॉम ग्रीन। हाँ जी, इसमें भी सेम वही है, लाइक मेल के पास अगर एक सिंगल रिसेसिव आ गया तो भी वो अफेक्टेड हो जाएगा, और फीमेल के पास क्योंकि उसके पास दो एक्स है तो चांसेस कम है, लाइक जैसे ये देखो ये कैरियर है और ये लड़का जो है ये अफेक्टेड है, ठीक है, सेम वही इनहेरिटेंस है जैसे हमने उसका किया था हीमोफीलिया का, आप सेम वैसे इसके अंदर देख सकते हैं कि आगे बच्चों में क्या क्या कौन किसमें आ सकता है, मतलब किसमें डिफेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद बेटा एक डिफेक्ट है आगे, हाँ जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्लस वन में हमने पढ़ा था कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं, तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो पर्सन है उसके पास प्रोटीन्स नहीं है और उसकी मसल जो है डिग्रेड होती चली जाएंगी और इसमें डेथ हो सकती है बेटा। सो देयर इज डिटेरियोरेशन ऑफ मसल्स इन दिस डिसऑर्डर, there is deterioration of muscles, muscles deteriorate मतलब slim होती जा रही हूं, अंदर proteins कम होता जा रहा है। इसका जीन कहां है, जीन ऑन एक्स, मतलब ये भी कैसी होगी, sex link, the gene on x fails to produce protein, fails to produce protein डिस्ट्रॉफी, तो ऑब्वियसली ये डिफेक्ट भी कैसा हो गया, सेक्स लिंक्ड हो गया। तो इस प्रोटीन का रोल क्या होता है, इसका रोल था बेटा ये नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करता है कैल्शियम सेक्स तक। तो जो अपन प्लस वन में पढ़ी कि
जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसके लिए कैल्शियम रिलीज होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये प्रोटीन नॉर्मली कौन सा, ये प्रोटीन हमारे अंदर रोल प्ले करता है नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कैल्शियम सेक्स तक। तो अब अगर ये नहीं होगा तो मसल्स के लिए जो सिग्नल रिले हो रहा था उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो आप लिख सकते हैं इसमें कैल्शियम इज नॉट रिलीज्ड। अच्छा, इसमें भी कौन अफेक्टेड होगा? अगर मेल के पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन रिसेसिव स्टेट में है तो ये अफेक्टेड है, और फीमेल के पास अगर एक भी नॉर्मल जीन हो जाएगा तो कैरियर। सेम वही सेक्स लिंक डिजीज में इनहेरिटेंस का पैटर्न वही रहेगा बेटा। इसके बाद एक डिजीज आगे हो रहा है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस दो तरह की रहती है, एक तो जो जेनेटिक्स से बिलोंग करती है दैट इज कॉन्जेनिटल, और एक जो न्यूट्रिशन से बिलोंग करती है वो होती है बेटा एक्वायर्ड। ये तो ठीक हो सकती है, और इसमें प्रॉब्लम है कॉन्जेनिटल। सो इसके लिए तो क्या कौन ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो इसमें तो क्या है कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है पेशेंट, तो विटामिन ए कम हुआ तो ऑब्वियसली उसमें एक्वायर्ड नाइट ब्लाइंडनेस होगी। लेकिन जो कॉन्जेनिटल है इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि देयर इज विजुअल पर्पल डेफिशिएंसी। इस केस में विजुअल पर्पल डेफिशिएंसी That interfere with the function of retinal cords. Interfere with function of rod cells. तो इसके लिए जो normally जो pigment required है वो congenital के अंदर नहीं आता, उसके लिए gene नहीं आता, तो ये problem देखो दोनों में symptom एक जैसे हैं, दोनों में नाइट ब्लाइंडनेस रहेगी, बट इसमें विटामिन ए आप बाहर से कंप्लीट देते हैं पेशेंट को तो रिकवरी है, बट कॉन्जेनिटल में क्योंकि इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है तो अगर इसमें डाइट देंगे तो भी कोई फर्क नहीं आया, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। ये भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है बेटा, ये भी सेक्स लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली मेल ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे और फीमेल ऑब्वियसली दो एक्स होने के कारण उनके ऊपर इसका चांस कम है, 50% प्रोबेबिलिटी कम रहेगी इसकी। तो नाइट ब्लाइंडनेस में जैसे यहां आप स्मॉल एन ले लीजिए, इसके लिए कैपिटल एन ले लीजिए, जैसे मदर जो है ये कैरियर है, फादर जो है वो अफेक्टेड है। तो ये हमने सारे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स देख लिए। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स कौन कौन से थे बेटा? पहला हमने देखा हीमोफीलिया, सेकेंड कौन सा है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, थर्ड कौन सा देखा मसल डिस्ट्रॉफी, फोर्थ कौन सा है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब एग्जाम में ऐसे पूछ सकते एक्सप्लेन एनी टू सेक्स लिंक डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, तो आपको इन चार में से कोई भी दो एक्सप्लेन करनी है, फिर उसका इनहेरिटेंस भी उसके साथ पूछ सकते हैं। तो ये कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं हम? मेंडेलियन, और मेंडेलियन में भी कौन से सेक्स लिंक। देखो मैं फिर बता रहा हूं, हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई किया हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल में। मेंडेलियन आगे फिर दो तरह के बेटा, एक वो जो सेक्स लिंक्ड है और एक वो जो ऑटोसोमल है। सेक्स लिंक वाले तो ये चार डिजीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, अब सेकंड कैटेगरी हमने देखनी है बच्चे ऑटोसोमल, यानी ऐसे जीन्स ऐसे फैक्टर्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दे रहे हैं
लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड नहीं है। जीन्स ऑन, जीन ऑन अदर क्रोमोसोम्स, और इसमें क्या बेटा जीन ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो एक्स पे अगर लोकेटेड है कोई तो वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में पड़ेंगे, और अदर 22 पेयर्स में कहीं भी हैं तो उनको हम ऑटोसोमल डिजीजेस में पड़ेंगे। ऑटोसोमल डिजीजेस में बेटा एक डिजीज तो हमने एक पहले टॉपिक में आई थी सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया ये डिजीज हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो, जब हमने पोस्ट मेंडेलियन फैक्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें ये डिजीज हमने स्टडी की थी। इस डिजीज में सिकल सेल अनीमिया में जो कि मेनली अफ्रीका की डिजीज है, अफ्रीका और अमेरिकन ब्लैक्स की, अफ्रीकन्स और अमेरिकन ब्लैक्स की डिजीज है। इस डिजीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। सिकल सेल अनीमिक पेशेंट को मलेरिया नहीं होता, ये तो उसके लिए पॉजिटिव है, बट जैसे लो ऑक्सीजन लेवल होता है तो उसकी जो आरबीसी की शेप है, जैसे ये है, ये सिकल शेप हो जाती है ऐसे, और सिम्टम्स कैसे आएंगे, अनीमिक सिम्टम्स आएंगे, यानी खून की कमी वाले लक्षण आएंगे, तो इसलिए इसको सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। अब ये डिजीज कैसी है, दिस इज ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल का मतलब जीन्स आर लोकेटेड ऑन अदर क्रोमोसोम देन द सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होते। हाँ जी, अब इसमें सिकल सेल जो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन रहता है, और इसका जो जीन है दैट इज प्लियोट्रोपिक, प्लियोट्रोपिक जीन है। ये सब कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। प्लियोट्रोपिक जीन अगर आपको याद हो तो वो जीन जिसके एक साथ दो कैरेक्टर्स के ऊपर जो अफेक्ट करता हो, एक पे मेजर एक पे माइनर, तो प्लियोट्रोपिक वाले टॉपिक में भी हमने इसको पढ़ा था। सिकल सेल अनीमिया में प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज होती है तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल एग्रीगेट करते हैं और वो स्टिफ फाइबर्स बना देते हैं, और उससे सेल की शेप चेंज आती है, सिकल शेप आ जाती है, और वो फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता। अब सिकल सेल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जीन म्यूटेट हो गया, इसमें जो वैलिन आ गया इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए जीन है, मतलब ये जैसे ये कोई पर्सन उसमें सिकल सेल नहीं है बेटा, और ए क्या बेटा ये सिकल सेल वाला, ये सिकल सेल एच बी एस जीन है। तो कितना का डिफरेंस आया देखिए आप, इस पेशेंट में पर्सन में सी टी सी और जी ए जी जैसे उसका डीएनए है, ये एक स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड है बेटा, इसके अंदर है बेटा सिर्फ देखो सी ए सी, सिर्फ यहां टी के कंपैरिजन में यहां पे देखो ए है, और नीचे था बेटा जी ए जी, उसके पास आ जाएगा जी टी जी, बस एक बेस पेयर के चेंज होने से आप देखो उसकी फिनोटाइपिक इफेक्ट एक डिजीज आ गई। साइटोसिन थायमिन साइटोसिन ये सब अपन सेकंड चैप्टर में से डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब आपने ये याद रखना है कि इसमें थायमिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन आ गया। तो इसका जो मैसेंजर आरएनए बनता है नॉर्मल जीन में, इसका नॉर्मल जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है वो है बेटा जी ए जी, डिफेक्टिव वाले का क्या बन रहा है देखो बेटा जी यू जी, इसमें नॉर्मल वाले में क्या आता है सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड यहां, और उसमें क्या आता है सिक्स पोजीशन पे वैलिन। एक अमीनो एसिड का डिफरेंस आया और प्रोटीन चेंज हो गया और उसकी वजह से डिजीज आ गई सिकल, सिकल सेल अनीमिया डिजीज। अब अगली डिजीज है बेटा इसके बाद एल्केप्टोन यूरिया।
एल कैप्टोन। एल कैप्टोन यूरिया ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बेटा, जिसमें ऑटोसोमल जीन रिस्पॉन्सिबल है। ऑटोसोमल जीन रिस्पॉन्सिबल है और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब आपको पता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, जो सेल के अंदर रिएक्शंस है, उस वो डिफेक्टिव है इस केस में। इसके सिम्टम क्या आएंगे? इसका जो यूरिन है पेशेंट का, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन ऑन एक्सपोजर टू एयर, ये इफेक्ट दिखता है इसमें। और सेकेंड बेटा इफेक्ट दिखता है हमें, डार्कनिंग ऑफ सर्टेन कार्टिलेजेस, डार्कनिंग ऑफ सर्टेन कार्टिलेजेस, कुछ कार्टिलेजेस का कलर चेंज हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ? इसके यूरिन में क्या था? इसके यूरिन में होता है बेटा होमोजेंटिसिक एसिड। इस पेशेंट की यूरिन में होमोजेंटिसिक एसिड मिलता है। दिस एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलकैप्टोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलकैप्टोन, तभी तो इसका नाम एलकैप्टोन यूरिया है। मतलब ये एलकैप्टोन यूरिया एक ऐसी डिजीज है जो एक सिंगल जीन से होती है। दैट जीन इज ऑटोसोमल, मींस सेक्स लिंक्ड नहीं है। क्या सिम्टम है इस पेशेंट के? उसका यूरिन जैसे हवा में आता है ब्लैक हो जाता है, प्लस उसके कुछ कार्टिलेजेस हैं उन वो डार्क कलर में आने लगे। इसके यूरिन में एक एसिड आता है विच इज होमोजेंटिसिक या एलकैप्टोन, या फिर इसको कहेंगे ये भी लिख सकते हैं बेटा एलकैप्टोन ऐसे। तो एलकैप्टोन यूरिया ये डिजीज है। अब इस पेशेंट में जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, जो डिफेक्टिव जीन बना है नॉर्मल पर्सन में और इस पर्सन में डिफरेंस क्या है? देखो अगर आप एलकैप्टोन यूरिया का कॉज देखेंगे ना, तो नॉर्मल पर्सन के अंदर लीवर एक एंजाइम बढ़ाता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। ये अगर देखो, अब हम सब लोग हेल्दी हैं, हमारे अंदर ऑब्वियसली एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करवाता है होमोजेंटिसिक एसिड को कुछ कंपाउंड्स में, और वो कंपाउंड्स एंटर कर जाते हैं बेटा क्रैब साइकिल में, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है रेस्पिरेशन का। अब जिस पर्सन में ये डिजीज है उसके पास ये एंजाइम नहीं आए, उसके पास एंजाइम नहीं आया तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, यूरिन के थ्रू बाहर आएगा तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा एयर के साथ जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है। तो फिर इस डिजीज को हमने क्या कहा? एलकैप्टोन यूरिया, बिकॉज उसके यूरिन में एलकैप्टोन मिलता है, क्योंकि उसके लीवर के पास नॉर्मल जीन होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एब्सेंट है, क्योंकि इसका जो जीन चाहिए वो पेरेंट से आया ही नहीं है, डिफेक्टिव नॉर्मल जीन नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हमारी ये डिजीजेस जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उसमें दो डिजीज रहती हैं, और फिर हमने इसके बाद क्रोमोसोमल करनी है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।